पंजाब कांग्रेस के जिला प्रधान की अगुवाई में कांग्रेस वर्करों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह के खिलाफ मटका प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी इस समय अपना दबदबा बना रही है, कहीं ना कहीं अपना वो दबाव जो है अपनी दूसरी पार्टियों पे बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के जो लुधियाना वर्कर हैं उन्होंने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। जी क्या कहना चाहेंगे जी इसको होने के लिए? आज कर्नाटका में जो मोदी जी ने लोकतंत्र का को के साथ धक्का करने की कोशिश की है, लोकतंत्र को गान किया है, उस विषय में आज लुधियाना कांग्रेस कमेटी जिला शहरी के सभी वर्कर बीजेपी जिला मुख्य कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। जनता में बहुत रोष है जी। आज हम गुरप्रीत गोगी जी की अगुवाई के नीचे हमें कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से ऑर्डर हुए थे कि जो कर्नाटका में जो डेमोक्रेसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के खिलाफ जो बीजेपी ने आज किया है, गोवा में भी इन्होंने पहले यही किया था, मणिपुर में भी इन्होंने यही किया था, मेघालय में भी यही किया था, बीजेपी की सरकार उस टाइम बीजेपी की पार्टी जो उस टाइम माइनॉरिटी सीट उनको माइनॉरिटी सीट्स मिली थी फिर भी गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट किया पार्टी फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली आज कर्नाटका में हमें ये देखने को मिल रहा है जो उन्होंने बड़ा ही गलत प्रेसिडेंट सेट किया है बीजेपी सरकार ने। तीनों स्टेट्स में गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट किया सरकार फॉर्म करने के लिए, जबकि कांग्रेस का अपर हैंड था इस चीज़ में। लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स पंजाब टीवी।